आज हम जानेंगे खुदाई किंग पिंक फेयरी आर्मडिलो के बारे में। जी हाँ, ये बहुत तेज खुदाई करता है, कुछ सेकंड में ही खुद को पूरी तरह से रेत में छिपा लेता है। ये अर्जेंटीना तथा दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ये रेतीले तथा शुष्क घास वाले मैदानों में रहते हैं। आर्मडिलो अपने जीवन के अधिकांश हिस्से को भूमिगत होकर गुजारते हैं। ये निशाचर प्राणी हैं। इनका मुख्य भोजन चींटियाँ, पौधों में लगे पदार्थ तथा कीड़े और घोंगे होते हैं। पिंक आर्मडिलो में थर्मोरेगुलेशन की क्षमता होती है, जिस कारण से ये गुलाबी रंग के हो जाते हैं। ये पर्यावरण के प्रति इतने संवेदनशील होते हैं कि अगर इन्हें इनके आवास से दूर कर दिया जाए तो इनमें से अधिकांश आर्मडिलो 8 दिन के अंदर ही मर जाएंगे। पिंक फेरी आर्मडिलो आर्मडिलो की प्रजातियों में सबसे छोटी प्रजाति है, जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर और वजन 120 ग्राम होता है। इसे रेतीला तैराक भी कहते हैं। तो ये था पिंक फेरी आर्मडिलो।